नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का होना क्या है, और उसमें सबसे ज्यादा अटकलें BJP को लेकर लगाई जा रही हैं। यहां पर देखा जा रहा है कांग्रेस तो काफी दुरुस्त नजर आ रही है, प्रियंका गांधी रैली करती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधती हैं जो उनकी पार्टी के पहले सदस्य थे लेकिन अब BJP के साथ जाके मिल चुके हैं और उनको सरकार बनाने में मदद की। और अब कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को भी वहां भेजने की तैयारी की जाएगी। राहुल गांधी भी जल्द मध्य प्रदेश आएंगे और वहाँ की जनसभाओं में जनता को अपना चेहरा दिखाएंगे और जनता से समर्थन बटोरते हुए यहाँ नजर आएंगे। लेकिन इस बीच एक केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति बना हुआ है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर क्या फैसला लेगी BJP, इसकी अटकलें लगातार चलती जा रही हैं। कुछ 3-4 बात हैं जिसको लेकर लोगों के बीच अटकलें हैं। या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में जाएंगे, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली जो है रुझान आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है उसके अनुसार बात करें तो कि यहाँ पर वापिस पाला सिंधिया बदलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर सिंधिया निष्पक्ष यहाँ पर लड़ सकते हैं, या फिर सिंधिया BJP छोड़ और कांग्रेस छोड़ कोई नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या समर्थकों के साथ अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। क्योंकि हम मेन मोटिव देखा जा रहा है कि उनके समर्थक नाराज हैं और सिंधिया नहीं चाहते कि उनके समर्थक नाराज हों, और कई सारे समर्थक तो वापस BJP छोड़ कांग्रेस को अपना चुके हैं और वही सिंधिया पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी रैली से सिंधिया पर वार किया, उसके जवाब में सिंधिया ने उनको जवाब दिया। तो देखा जाए तो अटकलें तो अभी कांग्रेस में जाने की नहीं लगती, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे बड़ा एसेट बन सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी के बड़े अच्छे मित्र यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं। दोनों ने साथ में कई यात्राएं की हैं, कई चुनावी प्रचार की हैं। देखा जाए तो कमलनाथ सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों में हाथ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही था, और अब यहां पर 2023 में भी बड़ा जो सहयोग है, जो बड़ा रोल है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया निभा सकते हैं। और लेकिन ये साफ नहीं है कि BJP उनको कितनी अहमियत देगी या कितना उनको दरकिनार रखेगी। वैसे देखा जाए तो अभी चुनावों के महत्व से देखा जाए तो अभी तक सिंधिया को वो तवज्जो नहीं दी गई है जो कांग्रेस में उनको पिछले चुनावों में मिली थी और एक मेन चेहरा बनाकर उनके साथ चुनाव लड़ा गया था। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ बनते हैं और कहीं ना कहीं यही नाराजगी जो है सिंधिया को होती है और वो छोड़कर कांग्रेस का साथ BJP के साथ के मिल जाते हैं। लेकिन BJP भी कांग्रेस वाला ही खेल खेलती है, शिवराज को यहां मुख्यमंत्री बनाती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में जो है एक पद देकर उनको थोड़े दिनों के लिए निश्चित कर देती है। लेकिन अब चुनाव आने को है और सिंधिया और सिंधिया के समर्थक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको CM फेस बनाया जाए, नहीं तो BJP के लिए चुनाव मुश्किल होगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।